Audio Jungle. So now students, today I am going to start CBSE sample paper 2020 and 21. अब ये student mathematics basic का जो है एक sample paper है, ठीक है? तो इस sample paper में क्या है, general instruction क्या है? Student, this paper contains two part. अब इस पेपर में आपके दो पार्ट होंगे, एक पार्ट ए होगा और दूसरा पार्ट बी होगा, और इसमें आपको इंटरनल चॉइस दी रहेगी स्टूडेंट्स, ठीक है? अब सेक्शन, पार्ट ए में सेक्शन फर्स्ट है और सेक्शन सेकंड है, दो सेक्शन हैं इसमें. तो सेक्शन फर्स्ट में क्या है, 16 क्वेश्चंस हैं. इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन 5 क्वेश्चंस, और 5 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दी गई है, ठीक है? तो आज हम आपको सेक्शन फर्स्ट के कुछ क्वेश्चंस बताएंगे स्टूडेंट्स, इसलिए हम अब सेकंड का बाद में डिस्कस करेंगे. अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सिंपल से क्वेश्चन है स्टूडेंट. एक्सप्रेस 156 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है? तो पहले क्वेश्चन में क्या है कि 156 की आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 78 आ जाएगा, ठीक है? फिर इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 39 आ जाएगा, फिर इसके बाद 3 से कर दीजिए तो ये 13 आ जाएगा, ठीक है? तो इसके जो प्राइम फैक्टर हो गए वो ये हो जाएंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13. तो ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया. दूसरा क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे हम आपको शॉर्ट में बताएंगे. राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल सच ऑफ हूज जीरोज इज, यानी इसके जीरोज का जो सम है वो स्टूडेंट्स 2 है और उनके उनका प्रोडक्ट -8 है. यानी यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है 2, ठीक है? और अल्फा इंटू बीटा जो दिया गया है वो -8 है. अब इसका स्टूडेंट फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये फॉर्मूला होता है इसका. तो इसी में वैल्यू उठा करके पुट कर देते हैं. तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -8, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया. तो ये सिंपल से क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है? गिवन दैट एचसीएफ इतना दिया गया है, एचसीएफ दो नंबर का एचसीएफ 4 दिया गया है, ठीक है? और दो नंबर का एलसीएम हमें फाइंड करना है, ठीक है? तो अब देखिए इसमें क्या होता है स्टूडेंट, एक फॉर्मूला होता है कि दो नंबर का अगर मल्टीप्लाई करें तो वो उन दो नंबर के एलसीएम और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होता है. तब यहाँ पे HCF दिया गया है, LCM फाइंड करना है. तो दो नंबर कौन कौन से हैं आपके, 96 है और 404 है, ठीक है? और इसका जो HCF है उससे डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए. तो 4 से इस 96 को ना कैंसिल करके इसको कैंसिल कर दीजिए, 101. अब देखिए इनका मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, मल्टीप्लाई करोगे तो 9696 आपका आंसर आ जाएगा. तो ये आपके तीन क्वेश्चन थे, स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. तो इसको आप बुक से देख करके लिख लीजिएगा. अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखिए ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ द कोफिशियंट. तो ये दो इक्वेशन दी गई हैं, इनके रेशियो को कंपेयर करके, ठीक है, हमें ये बताना है कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, ठीक है, वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट. तो अगर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन होता है, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन होता है तो उस इक्वेशन को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट. तो दो केसेज में सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होता है, जब उसके यूनिक सॉल्यूशन हो और मैनी सॉल्यूशन हो. तो यहाँ पर देखिए अगर हम कंपेयर करेंगे स्टूडेंट, तो A1 की वैल्यू 1 आएगी और B1 की वैल्यू -2 आएगी और C1 की वैल्यू जो है वो 0 आएगी. यहाँ पर A2 की वैल्यू 3 है, B2 की वैल्यू 4 है और C2 की वैल्यू -20 है, ठीक है? अब पहले हम A1 अपॉन, ठीक है, हाँ, A1 अपॉन A2 का रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है, A1 अपॉन A2 का रेशियो. तो A1 अपॉन A2 कितना आएगा, 1/3, ठीक है? और इसके बाद जो है B1 अपॉन B2 का रेशियो निकाल लेंगे, तो B1 अपॉन B2 का -2/3. तो यहाँ पे अब क्या हो गया, ये देखिए दोनों इक्वल नहीं है. तो A1 अपॉन A2 डज नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, ये आ गया, ठीक है?
तो इसका कौन सा सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट्स? यूनिक सॉल्यूशन, यानी कोई सॉल्यूशन है इसका, तो इस सिस्टम का जो है एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, और जब यूनिक सॉल्यूशन होगा सो इट इज कॉन्सिस्टेंट, क्या हो जाएगा ये स्टूडेंट्स आपका कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कह रहा है एफ ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को प्राइम नंबर वो होते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते हैं, तो को प्राइम नंबर का जो एस सी एफ है वो हमेशा, ठीक है, 1 होता है, ये याद रखिएगा आपको, प्राइम नंबर का एस सी एफ हमेशा स्टूडेंट्स 1 होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा आपके काम आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है, ठीक है, 6 में एक और भी इसमें लगाया, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री और पाई की वैल्यू 22/7 लेना है, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन में क्या है, ये एरिया ऑफ सेक्टर, ये फॉर्मूला बेस्ड स्टूडेंट क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए थीटा की वैल्यू है 60/360 इंटू पाई की वैल्यू हमें लेनी है 22/7 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। तो 60 से 360 को कैंसिल कर दीजिए, 6 इस 6 से इस 6 को कैंसिल कर दीजिए, तो 22/6/7, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 132/7, ठीक है, वो किस में दिया गया था स्टूडेंट, सेंटीमीटर में, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आप चाहें तो उसको डेसिमल में भी सॉल्व कर सकते। अब देखिए इसका और वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये और वाला, इसमें क्या है, हॉर्स टाइड टू अ पोल विथ, तो देखिए एक पोल से जो है एक हॉर्स बंधा है और ये रस्सी जो है वो 28 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। तो ये चाहे तो इसको इस तरीके से एक इतने एरिया में, सर्किल वाले एरिया में ये क्या कर सकता है, ग्रेज कर सकता है, तो ये रेडियस जो है वो 28 मीटर हो जाएगी। पेरीमीटर ऑफ द फील्ड वेयर, अब देखिए पेरीमीटर ऑफ सर्किल क्या होती है स्टूडेंट्स, जो पेरीमीटर ऑफ सर्किल होती है वो होती है 2πr, बस इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए आपको आंसर मिल जाएगा, 2 × 22/7 × 28/7 से इसको कैंसिल कर दीजिए, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए 22 × 44, 4, तो 4 × 16, तो 176 आ गया, इतने मीटर आ गया स्टूडेंट, चूँकि ये पेरीमीटर है, ठीक है। ये आपका 6 क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 7 क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर ये वाली जो लाइन है वो डी ई पैरेलल बी सी के दी गई है, ठीक है, और ये वाला एंगल हमारा ये, ठीक है, जो एंगल ए है स्टूडेंट ये दिया गया 50 डिग्री, ठीक है, और इधर वाला जो एंगल दिया गया ये 70 डिग्री दिया गया, तो इस एंगल को हम फाइंड कर लेंगे, यानी एंगल जो हमारा हो जाएगा डी ई ए, ठीक है, तो ये 180 में से, ठीक है, इन दोनों एंगल को जोड़ देंगे 70 + 50 और सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, तो ये 60 डिग्री आ गया। अब चूंकि डी ई पैरेलल बी सी के स्टूडेंट, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते, तो एंगल डी ई ए इज इक्वल टू एंगल सी के हो जाएगा, ठीक है, और यही बी सी हमें फाइंड करना था, तो ये 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके और वाले में क्या दिया गया स्टूडेंट, देखिए ए डी की वैल्यू दी गई 2 सेंटीमीटर, ये हमारी ये 2 सेंटीमीटर दी गई है, बी डी दी गई ये 3 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है, ए ई दी गई है 3.5, ठीक है, और ये पूरी दी गई है स्टूडेंट 7, तो ये ई सी हम इसमें से फाइंड कर लेंगे, ठीक है, तो ई सी इज इक्वल टू 7 − 3.5, तो ये भी कितनी आ जाएगी आपकी 3.5 आ जाएगी, ठीक है। अब बस इनका रेशियो हमें फाइंड कर देना है, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी कितना है 2/3 है, फिर ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू 3.5/3.5, तो ये 1 आ जाएगा। तो क्या इनका रेशियो इक्वल है, तो नहीं है स्टूडेंट्स, तो ए डी अपॉन डी बी, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी,
ठीक है। सो बाय थेल्स कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है, क्या हो जाएगा डीई, ठीक है, डज नॉट पैरेलल टू बीसी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपका इसका आंसर इस तरीके से ये आ जाएगा 7 का। अब देखिए 8 में क्या है स्टूडेंट, द कॉट ऑफ फेंसिंग सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹24 per meter इज ₹5,280, फाइंड द रेडियस ऑफ द फील्ड। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट सर्कुलर फील्ड है, तो सर्कुलर फील्ड दिया गया है, तो इसका पेरीमीटर निकालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा वो क्या होगा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग सर्कुलर फील्ड, तो जिसकी कॉस्ट है 5,280, इसमें हम डिवाइड कर देंगे पर मीटर की जो कॉस्ट है, ठीक है, तो पर मीटर की कॉस्ट कितनी है 24 है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इससे डिवाइड कर दीजिए। तो जब इससे आप डिवाइड करोगे तो 220 इतने मीटर आ जाएगा, 220 मीटर आ जाएगा। बस अब इसकी पेरीमीटर क्या होगी स्टूडेंट, सर्कुलर पार्ट की या सर्कुलर फील्ड की जो पेरीमीटर होती है वो 2πr होती है बस। तो 2 × 22/7 r हमें फाइंड करना है, ये हो गया, बस अब r की वैल्यू फाइंड कर दीजिए। तो देखिए 220 × 7/2 × 20, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो इधर 10 आ गया, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 आ गया, तो 5 × 7 कितना हो गया 35 मीटर, जो है वो इसका आंसर हो गया स्टूडेंट, 35 मीटर इसका आंसर हो गया। चलिए अब देखिए 9 क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, अ ट्री ब्रेक्स। तो अब देखिए स्टूडेंट्स ये एक पेड़ दिया गया है, ठीक है, ये पेड़ दिया गया है। अब इस ये मान लीजिए इसका ऊपर वाला पार्ट यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से ये टूट जाएगा, तो ये जो पार्ट ऊपर दिख रहा ये इस तरीके से यहाँ चिपक जाएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये पार्ट इसका टूट गया स्टूडेंट्स, ठीक है, सपोज करिए यहाँ से लेके यहाँ से ये टूट गया इतना पार्ट, ठीक है, तो ये और ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि यहाँ से जो टूटा था वही यहाँ पर चिपक गया, ठीक है, और ये कितने का एंगल बना रहा 30 डिग्री का स्टूडेंट, ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। देखिए उसमें साफ साफ लिखा है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड वेयर इट मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, जहाँ ये जमीन पर टच करता है वहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बनाता है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री ये कहलाता है स्टूडेंट्स, ये फुट ऑफ द ट्री कहलाता है। टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर, ठीक है, तो ये दी गई है आपकी 8 मीटर, ये 30 डिग्री का एंगल दिया गया है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री फ्रॉम वेयर इट इज ब्रोकन, तो आप देखिए स्टूडेंट यहाँ पे बेस दिया गया है और ये परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए ये अगर हम देखें तो ये ए बी जो है हमारा ट्री हो गया और यहाँ से ये टूटा था सी से, ठीक है, बस तो इसमें 10 अप्लाई कर दीजिए, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बी सी है, बेस कितना है, बेस यहाँ पर ये मान लीजिए बी आर हो गया, तो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है, बी सी हमें फाइंड करना है, हमने मान लीजिए इसको एच मान लिया और ये हो गया 8, ठीक है, तो ये हाइट कितनी हो गई जहाँ से ये टूटा है, जहाँ से ये टूटा है वो हाइट कितनी हो गई 8/√3, यहाँ से ये इतनी जो है ये निकल के आ गई आपकी 8/√3, ठीक है, यूनिट, क्योंकि यहाँ मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया गया है। तो ये इस तरीके से ये स्टूडेंट क्वेश्चन आपका 9 था। 10 में क्या है स्टूडेंट देखिए 10 क्वेश्चन में ये कह रहा है द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, तो देखिए 10 वाला इजी है। अब इसमें ये कह रहा है कि जो पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, ये दोनों इक्वल हैं, तो दोनों की आपको फॉर्मूले लिख देना है, यहाँ पर है पाई आर स्क्वायर, ठीक है,
तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2r इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं r इंटू आर, तो एक r से ये r कैंसिल हो गई, तो r की वैल्यू आ गई 2 आ गई स्टूडेंट्स, 2 यूनिट आ गई इसकी, ठीक है। तो ये हो गया, अब इसके बाद ये है हमारा 11। तो 11 में स्टूडेंट्स आपको फॉर्मूला अगर याद है तो आप उसको लिख सकते हो, तो ये होता है 3 मीडियन, ठीक है, इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। और 12 वाला भी क्वेश्चन ऐसे ही हो रहा है स्टूडेंट, करे टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट बी सी इंटरनली इन द, एक लाइन सेगमेंट ये दिया गया है बी सी, इसको 3:5 में हमें डिवाइड करना है, ठीक है। इन द रेशियो वी ड्रॉ अ रे बी एक्स सच दैट टू बी सी बी एक्स इज एन एक्यूट एंगल, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक किसी भी लेंथ की हम जो है एक लाइन बी सी ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम एक एक्यूट एंगल कहीं से भी बना दीजिए, ये मान लीजिए हमने इसको लिया बी सी, ठीक है, तो ये कह रहा सी बी एक्स, सी बी एक्स, तो यहाँ पर सी लिख दीजिए, यहाँ पर बी लिख दीजिए, तो ये सी बी एक्स जो है एक ये लाइन है, इस तरीके से ये बनाएंगे, ठीक है, इज एन एक्यूट एंगल, ये एक एक्यूट एंगल हो गया, यहाँ पर एंगल है, टू नहीं है, ये एंगल है सच दैट, तो ये बन गया एक्यूट एंगल है। व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स टू बी लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंस ऑन रे बी एक्स, तो यहाँ पर जो है 3:5 में है, तो 3+5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो इसलिए इसके कितने इक्वल डिस्टेंस इस पर कितने होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होंगे, 8 हो जाएंगे स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के ये क्वेश्चन थे। फिर देखिए 13 में क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी डज द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है स्टूडेंट्स, ए वन अपॉन ए टू डज नॉट इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, ठीक है। अब देखिए ए वन की वैल्यू कितनी है, 4 है, यहाँ पे ए वन कितना है, 4 है, बी वन कितना है, पी है, हमें सी वन से कोई काम नहीं है, ठीक है, ए टू कितना है, 2 है, बी टू भी कितना है, 2 है, ठीक है, तो इसी इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखिए 4 अपॉन 2 डज नॉट इज इक्वल टू पी अपॉन 2, ठीक है, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो पी डज नॉट इज इक्वल टू 4 आ गया, तो यही आंसर हो गया, ठीक है, ये आंसर आ गया आपका 13 का। अब ये और वाले में क्या, देखिए व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन विल बी रिप्रेजेंटेड बाई दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो देखिए इसमें ए वन अपॉन ए टू फाइंड कर लीजिए, ठीक है, तो ए वन अपॉन ए टू फाइंड करोगे तो ये देखिए ए वन की वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू 4 है, तो ये 2/4 आ गया, यानी ए वन अपॉन ए टू 1/2 आ गया। फिर बी वन अपॉन बी टू की वैल्यू फाइंड कर दीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/6, तो ये भी 1/2 हो गया। फिर सी वन अपॉन सी टू की वैल्यू निकाल दीजिए, तो ये 5/7 आ गया, ठीक है। तो कंडीशन क्या बनी स्टूडेंट्स कि ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू डज नॉट इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, ठीक है। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट्स नो सॉल्यूशन होता है, क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, यानी इस कंडीशन में दोनों लाइन पैरेलल होती हैं इस तरीके से, क्योंकि जब लाइन कहीं भी कट नहीं करेगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो ये पैरेलल लाइन से इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, पैरेलल लाइंस इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन है, तो देखिए इसमें 3 रेड बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल हैं, ठीक है, तो ये टोटल बॉल्स कितनी हो गई स्टूडेंट्स, टोटल बॉल्स हो गई 3+5 इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब इसमें से कौन सी बॉल निकालना है, रेड बॉल निकालना है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की, ठीक है, तो जितनी रेड हैं वो ऊपर लिख देंगे स्टूडेंट्स, अपॉन यहाँ पर आ जाएंगी टोटल बॉल्स, ठीक है, तो रेड हमारी बॉल कितनी थी, 3, टोटल बॉल है 8, तो बस यही 3/8 इसका आंसर हो गया। अब देखिए नीचे वाले का क्या होगा, अ डाई इज थ्रोन वंस, कह रहे एक डाई को एक बार फेंका गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर,
तो देखिए जब डाई को हम फेंकते हैं तो ये आती है पॉसिबिलिटी, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसमें से प्राइम कौन है, प्राइम नंबर है 2 है 3 है 5 है, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो गई स्टूडेंट, टोटल हो गई 6, और जो इवेंट की है इवेंट की पॉसिबिलिटी हो गई 3, तो पी प्राइम नंबर की जो प्रोबेबिलिटी होगी, पी प्राइम नंबर की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 3/6 यानी कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 1/2 आ जाएगी, इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो 1/2 आ जाएगी। चलिए इसके ये दो क्वेश्चन और रह गए हैं कि अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट्स हम इसका फिगर बनाए तो देखिए इसका फिगर कुछ इस तरीके का बनेगा, ये बन गया, ठीक है, ये आपका फिगर बन गया। अब बस इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वर्टिकली खड़ा हुआ है तो ये हमारा टावर हो गया स्टूडेंट्स, ये जो है ये टावर है, ठीक है। 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मान लीजिए ग्राउंड पर एक ये पॉइंट है, ठीक है, तो ये 15 मीटर हो गया, एंगल जो है वो ये 60 डिग्री है, ठीक है। ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, अब इसकी हाइट निकालना है, ठीक है, तो बस 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, इस टावर की हाइट को हमने एच मान लिया, ठीक है, ये 15 हो गया तो ये √3 होता है, तो एच अपॉन 15, तो इसकी जो हाइट है वो स्टूडेंट्स कितनी आ गई, हाइट आ जाएगी 15√3 आ जाएगी आपकी, ठीक है, इतने मीटर, ये हो गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट के, यानी किसी भी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है और ना होने की प्रोबेबिलिटी है उनका सम हमेशा जो है 1 होता है, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो इसके सेक्शन ए का पार्ट 1 हमने आपको स्टूडेंट सॉल्व करके बता दिया है, बाकी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।